आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन की अपडेट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कोटी कॉइन के अंदर एक इवेंट है उसके बारे में बात करेंगे कि आप लोग कहाँ से बाय कर सकते हैं और कहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं कोटी कॉइन के बारे में और एक जैम कॉइन आज हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपको 5 से 6 दिन के अंदर यहाँ से मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और यहाँ पे जो है आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपडेट या कोई जैम कॉइन हो उसके बारे में या तो कोई एनएफटी गेमिंग प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप लोग प्ले करके फ्री में अर्निंग कर सकते हैं या तो कोई आईडीओ हो जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं उसके ऊपर इस चैनल पे वीडियोस मिलता रहता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और यहाँ पे बेल के आइकन को आप लोग क्लिक करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो में इस चैनल पे लेके आऊं तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप यहाँ पे देखते हैं तो कम से कम यहाँ पे 2.2 ट्रिलियन से ऊपर जो है अभी मार्केट कैप चल रहा है। लगभग यहाँ पे 2.8% जो है यहाँ पे मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन के अंदर भरा हुआ है, मतलब जो सारे कॉइन है उसके अंदर। तो अभी अगर हम लोग बिटकॉइन की प्राइस हम लोग देखते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों को अपडेट किया था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा था जिसको यहाँ पे बीटीसी ने यहाँ पे तोड़ा था, लेकिन वो जो था फेक ब्रेकआउट था जिसकी वजह से फिर से बिटकॉइन जो है यहाँ तक लगभग 43,400 तक यहाँ पे बिटकॉइन ने लगभग डाउन आ गया था। लेकिन उसके बाद में अभी जो अगर आप लोग देखेंगे लगभग यहाँ पे 47,800 समथिंग यहाँ पे जो है बिटकॉइन की प्राइस चल रहा है। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर एंट्री ले चुके हैं तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो है एक मेन रेजिस्टेंस बन के आ रहा था बिटकॉइन के लिए 46,800 जिसके ऊपर जो है बिटकॉइन के प्राइस को जाना था, नहीं जाएगा तो यहाँ से जो है डाउन आने का चांस था। तो अभी लगभग आप लोग देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको इसने अच्छी तरह से ब्रेक भी कर लिया है और यहाँ पे हमने 4 घंटे की चार्ट लिया है तो लगभग यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल अभी लगभग यहाँ से बन चुका है। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रांग जो है ब्रेकआउट यहाँ से हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जो बिटकॉइन के लिए मेन रेजिस्टेंस अभी बन के आ रहा है जो वो है 49,000 से लेके 49,300। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है बिटकॉइन को अगर यहाँ से ऊपर जाना है। ठीक है, तो पहला एक तो रेजिस्टेंस ये है और दूसरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 53,000 लगभग यहाँ पे बन के आ रहा है। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है अभी बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सपोर्ट अगर देखेंगे ये एक स्ट्रांग सपोर्ट अभी बन गया है 46,700, तो इसको अभी ब्रेक करना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं अभी क्या कुछ होता है। तो बिटकॉइन पे अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं तो यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन चुका है। अभी के टाइम पे बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर होके अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऑल्टकॉइन के लिए भी अच्छा होगा और बिटकॉइन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऑल्टकॉइन के अंदर पूरा बूमिंग आएगा तो यहाँ पे जो है ये जो एक सपोर्ट जोन है बिटकॉइन की डोमिनेंस की, तो अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे 37% यहाँ पे अगर टच करता है तो यहाँ पे ऑल्टकॉइन के अंदर 100% बूमिंग आ सकता है। ठीक है, तो अभी ऐसा अभी हुआ नहीं, लेकिन ये जो सपोर्ट था इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है तो यहाँ से अभी जो बिटकॉइन है अभी के टाइम में 41% जो है यहाँ पे डोमिनेंस अभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी मतलब बिटकॉइन के अंदर भी पैसा जा रहा है और ऑल्टकॉइन के अंदर भी पैसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे ऑल्टकॉइन की मार्केट क्या, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था कि ऑल्टकॉइन की मार्केट कैप जो है वो 1.23 ट्रिलियन से नीचे नहीं आना चाहिए। अभी लगभग यहाँ पे जो है यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट था जो 1.26 ट्रिलियन थी। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी जो है मार्केट कैप चल रहा है तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऑल्टकॉइन के अंदर अच्छा खासा जो है अभी ठीक ठाक अभी चलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मार्केट की अपडेट। तो अभी आप लोग ऑल्टकॉइन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर भी आप लोग को जैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है उसके अंदर आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सपोर्ट की जोन में अभी है बिटकॉइन, अगर यहाँ से 36,700 को ब्रेक करता है तो आप लोग को यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत माइंड लेना है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है सपोर्ट ये स्ट्रांग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 49,000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो हम लोग को आगे जाके देखने को मिलेगा कि इसको ये ब्रेक कर पाता है, अच्छा खासा वॉल्यूम आता है तो यहाँ पे ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता।
क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब डंप आया था तो माइकल सेलर की तरफ से यहाँ पे जो है ट्वीट आया था कि उन्होंने यहाँ पे 48,000 43,000 पे यहाँ पे कुछ लगभग यहाँ पे कुछ बाय किए थे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है मार्केट अप गया है। ठीक है, तो अभी देख रहा है ये दो जोन को आपको देख के यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कोटी कॉइन के अंदर कुछ इवेंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो कोटी के अंदर एक इवेंट है 30 सितंबर के अंदर, यहाँ पे जो है यहाँ पे 30 सितंबर को यहाँ पे रिलीज होने वाला है, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं 96% जो है यहाँ पे वोटिंग हो चुका है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कोटी के अंदर जब पंप आता है तो कोटी अच्छा खासा पंप करता है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है तो इस कॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर प्राइस हम लोग देखते हैं 0.32 सेंट अभी जो है लाइव प्राइस यहाँ पे कोटी के अंदर चल रहा है। अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं लिया तो यहाँ पे टू पार्ट्स के अंदर आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 0.30 सेंट पे आप लोग यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं यूएसडीटी प्राइस में, और यहाँ पे जो है सेकेंड एंट्री आप लोग 0.27 सेंट पे आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एंट्री ले सकते हैं। टू पार्ट्स के अंदर आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री इस कॉइन के अंदर लीजिए, क्योंकि ये कॉइन अच्छा खासा पंप होता हुआ आप लोगों को यहाँ पे दिख सकता है। अगर आपको मैं टारगेट की बात बताऊं तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक होल्ड करते हैं तो आप लोग को लगभग यहाँ पे 0.42 सेंट पे यहाँ पे एक टारगेट आपको सेलिंग टारगेट रखना है, और नेक्स्ट टारगेट जो है 0.48 सेंट पे आप लोग को यहाँ पे रखना है। लगभग यहाँ पे अगर आप लोग इस टारगेट को लेके चलते हैं तो लगभग आपको जो है यहाँ से 36% और फर्स्ट टारगेट और जो सेकेंड टारगेट है यहाँ पे 54% यहाँ पे जो है आपकी फील होने वाला है इस कोटी कॉइन के अंदर। और आप लोग थोड़ा बहुत थर्ड टारगेट की तरफ अगर चलते हैं तो 0.58 सेंट तक आप लोग को 84% जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कोटी के अंदर जब इवेंट आता है तो अच्छा खासा जो है यहाँ पे पंप होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी जंप आता है तो इसके अंदर अच्छा खासा जो है जंप आता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत जो है टू पार्ट्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करके इस कॉइन के अंदर आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च है, तो उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसकी BTC की प्राइस की टर्म पे हम लोग देखते हैं हाँ, तो फ्रेंड्स अगर BTC की टर्म पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 6.75 सतोशी यहाँ पे जो है BTC की टर्म पे कोटी की प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बाय नहीं किए हैं, इसके अंदर एंट्री नहीं किए है, तो 593 सतोशी पे आप लोग एक एंट्री लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, टू पार्ट्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लोग कीजिए। अभी 651 सतोशी पे आप लोग एक टारगेट यहाँ पे बाइंग की बना सकते हैं, और नेक्स्ट जो टारगेट है यहाँ पे 593 सतोशी पे यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्ट आप लोगों को जो है यहाँ पे BTC की टर्म पे आप लोग को यहाँ से लगभग 45% की जंप इसके अंदर देख सकता है, क्योंकि इसके अंदर इवेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही कैंडल जो है यहाँ पे 50-40% की यहाँ पे बनता है कोटी के अंदर, तो आप लोग उसी हिसाब से लगा सकते हैं। अगर यहाँ से बाइंग आप लोग करते हैं तो आप लोग को लगभग यहाँ पे 45% जो है इंस्टेंट एक पंप के अंदर यहाँ से मिल सकता है। तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत एंट्री लगा के आप लोग BTC की टर्म पे आप लोग चल सकते हैं। अगर बाय नहीं किया तो आप लोग यहाँ पे 651 सतोशी पे एक बाइंग, और नेक्स्ट जो बाइंग है 591 सतोशी पे आप लोग बाइंग लगा सकते हैं, क्योंकि BTC अगर सडन डंप आता है या सडन पंप आता है तो इसके अंदर थोड़ा हलचल होगा, तो आपका जो बाइंग है आप लोग का हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट अगर 537 सतोशी पे आप लोग को मिल जाता है तो आप लोग ये जो तीन पार्ट्स में आप लोग यहां से बाय कर सकते हैं, और यहां पे जो है सेलिंग टारगेट आप लोग जो है 981 सतोशी पे आप लोग पहला सेलिंग टारगेट जो है आप लोग रख सकते हैं, या तो आप लोग थोड़ा ईयरली निकलना चाहते हैं तो 880 सतोशी पे आप लोग यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जरूर आप लोग ट्रेड बना के चलिए, क्योंकि इसके अंदर इवेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, नहीं तो यहाँ से जो है आप लोग अगर इस इवेंट के बाद में अगर आप लोग को प्राइस जंप होता हुआ नहीं दिखता है तो आप लोग को लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का अगर स्टॉप लॉस की बात करूं मैं, 569 सतोशी पे आप लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस एक लगा के इस कॉइन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जो कोटी के अंदर इवेंट है
तो उसी हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो जेएम कॉइन है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और यहाँ पे जो है जेएम कॉइन जो है टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहता है, जिसमें आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इससे पहले भी मैंने आप लोग को 7 कॉइन इस महीने के अंदर आप लोगों को शेयर किया था। उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में जो 7 कॉइन मैंने बताया था, ऑलरेडी कुछ कॉइन ने अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग को दे चुके हैं और इनकी इवेंट है, और ये आने वाला दिनों में भी आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं इस मंथ के अंदर। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो आज की जो जेएम कॉइन है FIO, ठीक है, FIO जो है यहाँ पे बाइनेंस के अंदर लिस्टेड है। अगर आप लोग के पास बाइनेंस के अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पे बाइनेंस के अंदर इसकी बाइंग लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर FIO BTC की टर्म पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन पे अभी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे 2 से 4 दिन के अंदर आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो है आप लोग को अच्छा खासा जो है पंप आता हुआ दिखता है। इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, इसकी बैकग्राउंड में अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो अच्छा खासा पंप आने वाला दिनों में इसने दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एक कैंडल जो है लगभग यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% की पंप जो है यहाँ पे वो यहाँ पे जो है आता है। तो बेसिकली अभी अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट की एनालिस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर बन रहा है और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन। तो जब भी यहाँ पे यहाँ इस रेंज प्राइस पे रहता है, यहाँ पे लगभग अगर आप लोगों ने बाय इसको करना है तो आपको यहाँ पे जो है 402 सतोशी से लेके यहाँ पे 348 सतोशी में आप लोग इस कॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और ये 2 से 4 दिन के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे लाइव में अगर यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं तो 449 सतोशी अभी लाइव प्राइस चल रहा है, यहाँ पे भी आप लोग इस कॉइन के अंदर मतलब एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट्स में आप लोग एंट्री लीजिए और यहाँ पे लगभग आपको जो है इसके अंदर 2-4 दिन के अंदर यहाँ पे पंप आता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ पे लाइव प्राइस के हिसाब से हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पे 70% जो है 761 सतोशी पे आप लोग को फर्स्ट टारगेट रखना है, और जो सेकेंड टारगेट है लगभग यहाँ पे 118% है जो है 968 सतोशी पे आप लोग को यहाँ पे सेल बिट रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाइंग जो होता है वो आपकी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइंग आप लोग करेंगे तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे लाइव प्राइस जो चल रहा है यहाँ पे भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी बाइंग रेंज के अंदर ही है। क्योंकि इसका जो चार्ट एनालिसिस है ये बता रहा है कि 2-4 दिन से, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन खत्म हो रहा है तो इसके अंदर ये जो पंप होने वाला है, तो 2 से 3 दिन के अंदर आप लोग को इस कॉइन के अंदर आपका जो मनी है 100% यहाँ पे ग्रो हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर आप लोग को जैसे मैंने बताया है यहाँ पे बाय कीजिए, और ये जो 2 सेलिंग टारगेट है आप लोग इसको लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, और ये आने वाला 2-4 दिन के अंदर आप लोगों का पैसा जो है यहाँ पे 100% ग्रो करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत रिस्की है तो आप लोग इसको थोड़ा आपके हिसाब से यहाँ पे, वैसे नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया, क्योंकि यहाँ पे चार्ट जैसे बता रहा है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस कॉइन के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं और कोटी के अंदर भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने जो 7 कॉइन यहाँ पे जो है वीडियो बनाया है उसको जरूर देखिए। उसमें भी आप लोग एंट्री नहीं लिया तो ले सकते हैं, अगर ले लिया तो आप लोग कहाँ पे सेल करना है और कहाँ पे निकलना है उसके बारे में भी हम लोगों ने उस वीडियो में बात किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।